गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आई होप आप सभी ऑनलाइन आ गए हैं। तो आज हम जो करने जा रहे हैं टॉपिक, उसका नाम है इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस, राइट, यानी कि अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता क्या होती है, ये इसको चल आगे देखिए। और ये जो टॉपिक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम आगे भी देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ इसकी डिटेल देनी पड़ रही है इसलिए यहाँ करना भी ज़रूरी है और आगे नेक्स्ट टॉपिक में भी ये आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इनकम्प्लीट डोमिनेंस या इसी का नाम है पार्शियल डोमिनेंस या सेमी डोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब होता है प्रभाविता, है ना, और इनकम्प्लीट ये वर्ड आपने सुना हुआ है, पार्शियल मतलब थोड़ा सा, एक ही बात हुई, इनकम्प्लीट डोमिनेंस या पार्शियल डोमिनेंस या सेमी अर्ध अर्ध प्रभाविता क्या क्या होता है, ये इज़ अ कंडीशन व्हेन नाइदर एलील इज डोमिनेंट ओवर द अदर। इनकम्प्लीट डोमिनेंस या पार्शियल डोमिनेंस या सेमी डोमिनेंस का अर्थ क्या हुआ, एक वो स्थिति है, वो परिस्थिति है जब कोई भी एलील डोमिनेंट नहीं है, डोमिनेंट नहीं है, प्रभावी नहीं है किसी दूसरे के ऊपर, राइट। द कंडीशन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय हिटरोजाइगोट्स एक्सप्रेसिंग रिलेटिव टू पेरेंटल फिनोटाइप। और कहता है ये जो कंडीशन है कैसे पता चली, कैसे रिकॉग्नाइज किया गया इसे, बाया हिटरोजाइगोट्स एक्सप्रेसिंग रिलेटिव टू पेरेंटल फिनोटाइप। जब पेरेंटल फिनोटाइप वाली जो कंडीशन थी, जो उनका जो फिनोटाइप था, पेरेंटल फिनोटाइप मतलब जो पेरेंट्स, जो हमारी जनरेशन होती है जिसके बीच में हम क्रॉस करवाते हैं, उनका जो फिनोटाइप है वो हिटरोजाइगस कंडीशन के अंदर एक्सप्रेस हो रहा है, यानी कि इंटरमीडिएट फिनोटाइप, हमें एक नया चीज़ मिलेगा, समझ आ रही बात। के कहता है कि दिस कंडीशन इज रिकॉग्नाइज बाय हिटरोजाइगस जाइगोट्स एस एक्सप्रेसिंग रिलेटिव टू पेरेंटल फिनोटाइप। मतलब हमें इस ये कंडीशन तो पता चला कि जब हमारे पास जो एक इंटरमीडिएट फिनोटाइप बना, इंटरमीडिएट मतलब जिसे हम कहते हैं मध्य उत्पाद, मतलब वो पेरेंट से कुछ अलग है, मतलब जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारी पेरेंटल फिनोटाइप है उससे रिलेटिव तो है लेकिन उससे अलग है, ठीक। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं तब थोड़ा आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपको नेगेटिव मतलब आप ऐसा मान लो कि जैसे मैं रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर के बीच में अगर हम मैं संकरण करवाऊँ, क्रॉस करवाऊँ तो आपको पिंक फ्लावर मिले, तो ये इंटरमीडिएट फिनोटाइपिक रेशियो हुआ। अच्छा चलिए इसको आगे थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिया है यहाँ पर फोर ओ क्लॉक प्लांट, हमारे पास FOUR फोर ओ क्लॉक प्लांट, जिसको बोटैनिकल का जिसका नाम है मिराबिलस जल्पा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेना। तो कई बार आप ऐसे डायरेक्ट ऐसे पूछ सकते हैं कि एग्जांपल बताइए जिसके अंदर आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलता है, तो या किसके थ्रू समझाया जाता है, किस एग्जांपल के थ्रू, वो कौन है, मिराबिलस जल्पा। तो फोर ओ क्लॉक प्लांट में इसकी हमने रेड फ्लावर प्लांट का क्रॉस करवाया विद वाइट वन, है ना, रेड वाले जो फ्लावर थे इसी के जल्पा के, मिराबिलस जल्पा के प्लांट के जो रेड फ्लावर थे उसका क्रॉस करवाया वाइट के साथ, और हमें क्या मिला, ऑब्टेन द पिंक फ्लावर, कब मिले, F1 प्लांट के अंदर, तो हमें ये क्या मिले, पिंक फ्लावर मिले। इफ़ पिंक फ्लावर यानी कि जो हमारे F1 प्लांट थे क्रॉस्ड, उसको हम अगर क्रॉस करवाएं F2 प्लांट्स अपीयर, जब हमने F1 प्लांट का क्रॉस करवाया, सेल्फ पॉलिनेशन करवाई F1 पीढ़ी की F1 के साथ, तो हमें F2 पीढ़ी में कौन मिले, F2 जनरेशन जो हमारी नेक्स्ट आई उसके अंदर हमें ये रेशो आया, क्या रेशो आया, 1:2, 2:1 फिनोटोपिक रेशो, रेड पिंक एंड वाइट। तो हमारी जो F2 जनरेशन थी वहाँ जो हमें प्लांट्स अपीयर हुए वो किस रेशो में आया, 1:2, 2:1, ये हमारा फिनोटिपिक रेशो बना, रेड पिंक वाइट। तो F2 जनरेशन में आपको पेरेंट्स भी मिले, ये क्योंकि हमारे पास पेरेंट्स ही थे, जो हमारा P जनरेशन थी रेड कलर पिंक वाइट कलर और पिंक, तो हमारा जो हिटरोजाइगोट वाला जो नया बना इंटरमीडिएट है ना। इन दिस केस इस तरीके से ये जो हमने केस देखा ऊपर, तो रेड कलर नॉट कम्प्लीटली डोमिनेंट, तो इसका मतलब जो रेड कलर का जो प्रोड्यूसिंग जीन है, मतलब कोई जीन ही होगा ना जो रेड कलर प्रोड्यूस कर रहा है प्लांट के अंदर, वो जीन नॉट कम्प्लीटली डोमिनेंट, वो पूरी तरीके से पूर्ण रूप से क्या नहीं है, प्रभावी नहीं है, किस पर, ओवर द एलील प्रोड्यूसिंग वाइट कलर, उस जीन के ऊपर जो क्या कौन सा रंग, उस एलील के ऊपर जो कौन सा रंग प्रोड्यूस कर रहा है, वाइट कलर,
इतनी बात क्लियर आ गई कि इससे क्या समझ आया कि जो रेड कलर प्रोड्यूसिंग जीन है वो कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं है उस एलील के ऊपर जो जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है उस जीन के ऊपर जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है वाइट कलर। इसीलिए तो क्या हुआ कि अगर ये अगर कम्प्लीटली इसके ऊपर डोमिनेंट होता रेड कलर उसके ऊपर तो F1 में हमें रेड कलर मिलना चाहिए था, लेकिन रेड कम्प्लीटली इसको डोमिनेट नहीं कर पाया और उसे क्या बना एक इंटरमीडिएट बना पिंक कलर। सो जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो सेम एंड इक्वल, और इसी वजह से हमें जो फिनोटिपिकल और जीनोटिपिकल रेशियो मिला वो सेम मिला, एक हमारे पास रेड आया, दो हमारे पास पिंक आया और एक हमारे पास वाइट आया। तो ये जो रेशियो आया ये आपको फिनोटिपिकली और जीनोटिपिकली दोनों में एक जैसा आया, राइट। अब आगे देख लेते हैं, जो हमने ऊपर देखा ये हमारे पास रेड मेल था, ये हमने वाइट फीमेल मान ली। ये देखो इसमें ये जो फ्लावर्स के केस में जैसे आप ना इसको मेल फीमेल भी कर सकते हो, इसको मेल भी कर सकते हो, ये हमारे ऊपर लेना होता है। तो ये रेड मेल लिया, जो रेड फ्लावर था उसे हमने मेल माना से वाइट। ये हमारे पास पेरेंट जनरेशन है कैपिटल आर कैपिटल, मतलब ये हमारे पास क्या डोमिनेंट जीन है, और ये कैसे हैं फीमेल वाले वाइट वाले R2 R2। तो अब उसमें क्या हुआ, हमने जब गैमीट इससे क्या बन सकते हैं, इसका हार्मोन बनेगा एक ही टाइप का बनेगा और इससे R2 टाइप का गैमीट बनेगा, जब इनके बीच में हमने क्रॉस करवाया तो हमारे पास जो पिंक कलर निकल कर आया R1 R2 है ना, R1 और R2। ये 1 1 लगाने का मतलब ये पेरेंट्स को एक दूसरे से अलग करने के लिए लगाया, ये 2 2 है। तो F1 द F1 हाइब्रिड प्लांट्स अलाउ सेल्फ पॉल टू अलाउ सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ मतलब स्वयं जो उसकी जो सेल्फ फर्टिलाइज करवाए खुद ही करवाए ना, जैसे ही सेल्फ फर्टिलाइज करवाए मतलब F1 का F1 के साथ क्रॉस R1 R2 क्रॉस विद R1 R2, तो हमें क्या मिला इसमें। अब आपको पता अब ये जब गैमिट बने, अब इसके ये गैमिट बने युग्मक बने, तो दो ये दो तरह के युग्मक बना सकता है R1 और R2, ये भी R1 और R2। अब इनका जब हमें क्रॉस करवाएंगे तो ऊपर आगे मेल गैमिट इस साइड आ जाएंगे फीमेल गैमिट, तो F2 जनरेशन के अंदर ये हमारे पास कॉम्बिनेशन निकल कर आए। तो इसमें ये प्योर रेड है, ये प्योर वाइट है, ये पिंक और ये पिंक। तो इसी तरीके से हमारे पास जीनोटिपिक रेशो आया 1:2:1 और फिनोटिपिक रेशो आया 1:2:1। तो क्या पता चला कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन मिराबिलिस जलपा शोज आउटकम ऑफ पिंक कलर। तो जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस आप हमें मिराबिलिस जलपा में देखने को मिलती है, 4 o'clock प्लांट में देखने को मिलती है, उसका आउटकम क्या है पिंक कलर। इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस के वजह से ही हमें क्या देखने को मिली, पिंक कलर देखने को मिला, राइट। बात समझ आई। अब आगे देखते हैं, कहता है एलील्स लैक डोमिनेंट एंड रिसेसिव रिलेशनशिप बोथ ऑब्जर्व्ड फिनोटिपिकली टू सेम डिग्री आर कॉल्ड हैज ए को डोमिनेंट। अब नेक्स्ट टर्म आ गई, हमने को डोमिनेंस क्या होता है, को डोमिनेंस का मतलब जब कभी जो एलील्स होते हैं वो उनके अंदर लैक मतलब कमी आए किस बात की, डोमिनेंट और रिसेसिव रिलेशनशिप, जब कभी एलील्स के अंदर डोमिनेंट प्रभावी या अप्रभावी जो रिश्ता होता है जो इनके संबंध है वो कैसा हो जाए उसमें कमी आए बूथ ऑब्जर्व्ड, और वो हमें देखने को कहाँ मिले फिनोटिपिकली फिनोटिपिकली टू सेम डिग्री आर कॉल्ड हैज ए को डोमिनेंट, तब ये स्थिति क्या कहलाती है को सह प्रभाविता वाली। क्लियर हो रही बात, क्या बोल रहे हैं एलील्स लैक डोमिनेंट और रिसेसिव रिलेशनशिप बोथ ऑब्जर्व्ड फिनोटिपिकली, मतलब जो डोमिनेंस वाला जो डोमिनेंट वाला जो रिलेशन है और रिसेसिव वाला जो रिलेशन है उनके जब एलील्स के अंदर कमी आए लैक आए और ये हमें फिनोटिपिकली देखने मिले और सेम डिग्री की मिले मतलब एक जैसा कमी हमें देखने को मिले फिनोटिपिकली, तब ये चीज़ क्या कहलाती है कोडोमिनेंस। सो फिनोटिपिक इफेक्ट ऑफ ईच एलील ऑब्जर्वेबल हिट्रोजाइगस कंडीशन, तब हमें ये जो फिनोटिपिक इफेक्ट है प्रत्येक एलील के अंदर हमें कब देखने को मिलता है, कब ऑब्जर्व होता है, जब वो हिट्रोजाइगस कंडीशन में। हिट्रो का मतलब क्या होता है, जहाँ डिफरेंट कंडीशन आए है ना, जैसे मतलब R1 R2, ये हिट्रोजाइगस कंडीशन। हिट्रोजाइगस जीनोटाइप गिव राइज फिनोटिपिक डायरेक्टली डिफरेंट फ्रॉम द होमोजाइगस जीनोटाइप। सिंपल सी बात है, जो हिट्रोजाइगस जीनोटाइप होंगे, हिट्रोजाइगस जीनोटाइप मतलब कि R1 R2 हमें क्या देंगे फिनोटाइप डायरेक्टली डिफरेंट फ्रॉम द होमोजाइगस जीनोटाइप, तो उनका जो फिनोटाइप बनेगा, फिनोटाइप मतलब जो बाहर से रंग रूप जो बनेगा वो डायरेक्टली एकदम डिफरेंट बनेगा होमोजाइगस जीनोटाइप से। सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल दिया हुआ है एली, हमारे पास एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट
एलील, जैसे अगर आपके पास जो MN ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है ह्यूमन के अंदर, तो इसके ये क्या MN क्या है, जीनोटाइप। MN ब्लड ग्रुप सिस्टम अंडर द कंट्रोल ऑफ एन ऑटोसोमल लोकस फाउंड ऑन द क्रोमोसोम नंबर 4। तो ये जो MN ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ये हम एक सिस्टम है जो अंडर द कंट्रोल, इसके ऊपर नियंत्रण कौन करता है, ये ऑटोसोमल लोकस पर होते हैं। ऑटोसोमल आपको पता है, हमारे जो क्रोमोसोम होते हैं दो टाइप के हैं, एक ऑटोसोमल और दूसरे सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स जो लिंग निर्धारण करते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं, बाकी तो ऑटोसोमल होते हैं। तो ये क्रोमोसोम नंबर 4 पर होते हैं ये MN ब्लड ग्रुप सिस्टम। इसके दो एलील हैं, LM एंड LN, ब्लड टाइप ड्यू टू दी ग्लाइकोप्रोटीन। और इस तरीके का जो ये आप देख रहे हो MN ब्लड ग्रुप सिस्टम, जैसे आपको पता हमारे अंदर ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, वैसे MN भी होता है, बहुत कम लोगों में होता है ये ब्लड टाइप। और ये होता है क्या, ड्यू टू दी ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट ऑन दी सर्फेस ऑफ RBC। तो ये RBC के सर्फेस पर ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होती है। क्लियर होगी बात, चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं मेंडल्स पोस्टुलेट, यानी पोस्टुलेट का मतलब होता है अवधारणा। मेंडल्स की क्या अवधारणा थी, या मेंडल्स के लॉ कैसे निकल कर आए, जो हमने पीछे सारा पढ़ा है उसको अब हम समराइज़ कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं, है ना, निष्कर्ष निकाल रहे हैं। तो ऑब्जर्विंग कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ रिजल्ट्स मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब क्या हुआ, जो हमने ऑब्जर्विंग की, जो सारा का सारा हमने ये जांच पड़ताल की, जितने भी रिजल्ट आए उनके कंसिस्टेंट पैटर्न की, कि कैसे कैसे रिजल्ट आ रहे हैं, किस कहाँ पर, जब हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया। कौन सा क्रॉस करवाया, मोनो हाइब्रिड, एकल संकरण, है ना। तो मेंडल डिराइव्ड 3 पोस्टुलेट। तो उसने जो ये लगातार अपने रिजल्ट्स देखे और रिजल्ट्स के पैटर्न देखे, जो उसने काम किया उसके, और किस क्रॉस के ऊपर, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर, तो मेंडल डिराइव्ड 3 पोस्टुलेट। तो इस बात अपने इस रिजल्ट्स की बात पर, अपनी इस ऑब्जर्वेशन पर मेंडल ने अपनी 3 अवधारणाएं दी, 3 पोस्टुलेट निकाले। आफ्टर द रीडिस्कवरी डिस्क्राइब्ड लॉ और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। जब इसके आफ्टर द रीडिस्कवरी, जब दोबारा इसके इनके ऊपर शोध हुआ, और उसे लॉ और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस कहा गया। तो पहली इसने बात क्या निकाली, यूनिट फैक्टर्स इन पेयर, कि जो हमारे लक्षण हैं वो हमेशा जोड़ी में चलते हैं, राइट। जेनेटिक कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय यूनिट फैक्टर और डिटर्मिनर। वो कहता है जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं, जो हमारे जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं, जो लक्षण हैं, गुण हैं, वो हमेशा उनके ऊपर नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, यूनिट फैक्टर, एक जोड़ी फैक्टर होता है, एग्जिस्ट इन पेयर इन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर। जैसे लंबाई का गुण है, चाहे वो फली का रंग है, चाहे कुछ भी है, उसमें दो आपको फैक्टर्स मिलेंगे, यूनिट उनका एक पेयर होगा, जैसे RR, स्मॉल RR, है ना, या अगर ग्रीन कलर है तो वो स्मॉल कैपिटल वाई कैपिटल वाई, या है ना, इस तरीके से वो जोड़ी में चलेंगे। जैसे मतलब हमारे पास, जैसे अगर मैं बोलूँ राउंड शेप है तो वो RR ऐसे, है ना, अगर मैं बोलूँ झुर्रीदार है तो इस तरीके से, मैं बोलूँ येलो है तो आपको पता है जो डोमिनेंट होगा वो कैपिटल हो जाएगा, जो रिसेसिव है छोटा हो जाएगा, है ना, ग्रीन कलर है तो इस तरीके से। तो ये हमेशा कैसे रहेंगे, हमेशा यूनिट फैक्टर फॉर्म में काम करेंगे, या हमेशा पेयर्स में रहेंगे। इतनी बात क्लियर आ गई, चलिए आगे देखते हैं। तो उसने कहा जेनेटिक कैरेक्टर्स जो हैं आर कंट्रोल्ड बाय, जो हमारे पास जितने भी अनुवांशिक लक्षण हैं वो कैसे, किसके द्वारा नियंत्रित किए जाएंगे, यूनिट फैक्टर के द्वारा नियंत्रित किए जाएंगे, राइट। मींस अ टॉल पी प्लांट हैज़ 2 फैक्टर्स फॉर टॉलनेस, अ ड्राफ्ट पी प्लांट हैज़ 2 फैक्टर फॉर ड्राफ्टनेस। मतलब जो हमारा टॉल पी प्लांट है, टॉल पी प्लांट है, वो उसके अंदर 2 फैक्टर हैं, किस बात की, टॉलनेस को शो करने के लिए। और जो हमारे पास ड्राफ्ट प्लांट है उसके पास 2 फैक्टर हैं ड्राफ्टनेस को शो करने के लिए, राइट। मतलब 2 फैक्टर ज़रूरी हैं तभी इसकी वो करेक्ट गुण या वो लक्षण शो होगा। कहते हैं एबन हाइब्रिड टॉल हैव 1 फैक्टर ईच फॉर टॉलनेस एंड ड्राफ्टनेस रिसीव्ड फ्रॉम द आइदर पेरेंट, दोनों पेरेंट्स से उसको एक एक
फैक्टर जो रिसीव होता है एक फैक्टर उसको कब, जब वो F1 हाइब्रिड प्लांट टॉल होता है, जो ये जो F1 जनरेशन बात कर रहा है, और F1 जनरेशन कैसे होगी, अब हाइब्रिड होगी ना वो, क्योंकि उसमें से उसको जो F1 जब प्लांट बना वो कैसा है, हाइब्रिड प्लांट टॉल, तो उसको एक फैक्टर तो मिलेगा प्रत्येक पेरेंट से, एक टॉलनेस वाला फैक्टर मिल जाएगा और एक ड्राफ्टनेस। जैसे माना कि अभी 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 मैंने समझाया आपको, जैसे ये आर है और ये आर है, तो जब ये तो पेरेंट्स जनरेशन होगी, ये कौन सी होगी, पेरेंट्स जनरेशन, जब इनसे गैमीट बने, इससे गैमीट बने, और अब इनका हमने क्रॉस करवाया, तो जो हमारे पास F1 जनरेशन आई, तो इसमें एक जो है ये जो फैक्टर है ये उसे एक पेरेंट से मिला और ये वाला फैक्टर दूसरे पेरेंट से मिला है। तो ये अभी भी अगर हम बात करें, ये जो हुई हमारी F1 जनरेशन, और कैसी हुई, हाइब्रिड। हाइब्रिड क्यों हुई, क्योंकि एक उसको, क्योंकि अभी प्योर कंडीशन, ये जो होती है प्योर कंडीशन है, कैपिटल आर कैपिटल आर, ये भी प्योर कंडीशन है, लेकिन ये हो कैसी होगी, वो हाइब्रिड कंडीशन, ये कैसी कंडीशन होगी, हाइब्रिड, राइट। तो उसने क्या बोला कि F1 हाइब्रिड प्लांट्स जो टॉल होते हैं, जो टॉल है उसमें एक फैक्टर उसको एक से, और दूसरा फैक्टर मतलब एक फैक्टर उसको टॉलनेस वाला मिलेगा, दूसरा ड्राफ्टनेस वाला मिलेगा, और ये चीज़ें कहाँ से प्राप्त हुई, प्रत्येक पेरेंट से। दूसरी चीज़ उसने क्या निकाला, डोमिनेंस और रिसेसिवनेस, कहता व्हेन टू अनलाइक यूनिट फैक्टर फॉर सिंगल कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट टुगेदर, तो सिंगल इंडिविजुअल दैट इज़ हाइब्रिड, वन यूनिट फैक्टर इज़ डोमिनेंट टू अदर रिसेसिव, टॉलनेस डोमिनेंट और टफनेस। वो कहते हैं कि हम बात करें अभी हमने ये डोमिनेंस रिसेसिव की उसने प्रभावी और प्रभाविता को बारे में उसने ढूंढ निकाला, पता लगाया कि जब दो अनलाइक यूनिट फैक्टर मतलब जो एक दूसरे से भिन्न जो लक्षण है, फॉर अ सिंगल करेक्टर, किसी एक करेक्टर के लिए है ना, आर प्रेजेंट टुगेदर, जब एक साथ होते हैं, मतलब कि माना कि मेरे पास, उसने कहा कि एक तो मेरे पास क्या है, एक ये और एक ये दोनों ही किसको शो कर रहे हैं, लेंथ के लिए, एक मेरा मतलब ये जो ऊपर वाली जो चीज़ है ये डोमिनेंट और ये रिसेसिव है, जो कैपिटल आ रहा है ये लेंथ वाइज हमारी लॉन्ग कंडीशन के लिए, और ये ड्राफ्ट कंडीशन के लिए, ये लॉन्ग है ये ड्राफ्ट। जब ये दोनों एक ही जगह होंगे, मतलब एक ही फैक्ट एक ही उसके अंदर है, तो उसने बोला कि जब टू अनलाइक यूनिट फैक्टर है ना, अनलाइक एक दूसरे से भिन्न वाले जो लक्षण है वो किसी सिंगल करेक्टर के लिए एक साथ प्रेजेंट होंगे, तब क्या होगा, वो हाइब्रिड कंडीशन कहलाएगी, और उन दोनों वन यूनिट फैक्टर इज उन दोनों फैक्टर में से एक तो डोमिनेंट होगा और दूसरा कैसा होगा, रिसेसिव। तो टॉलनेस डोमिनेंट को शो कर रही है और ड्राफ्टनेस जो है वो रिसेसिव करेक्टर है। तीसरी बात क्या निकाली उसने, तीसरा निकाला सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब क्या हुआ, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमिट, जैसे गैमिट बनते हैं, युग्मक निर्माण जब चलता है, पेयर्ड यूनिट फैक्टर्स सेपरेट और सेग्रीगेट रैंडमली। तो वो कहते हैं जो पेयर्ड यूनिट फैक्टर्स होते हैं, जैसे गेमिट का होते हैं, वो पृथक हो जाते हैं है ना, पृथक्करण, कैसे, सेपरेट हो जाएंगे या सेग्रीगेट हो जाएंगे रैंडमली है ना। सो ईच गेमिट रिसीव्ड वन और अदर फैक्टर्स विद इक्वल लाइकलीहुड है ना, तो हर एक गेमिट को रिसीव होगा एक प्रकार का फैक्टर है ना। इट मीन्स फ्रॉम F1 हाइब्रिड टू टाइप ऑफ द गैमिट्स आर फॉर्म्ड इन ऑलमोस्ट इक्वल नंबर, ईच गैमिट हैज़ 50% प्रोबेबिलिटी रिसीविंग आइदर टॉल और ड्राफ्ट फैक्टर। तो पृथक्करण में उसने क्या बोला कि क्या कहना चाहता है वो, कि माना मेरे पास ये F1 जनरेशन आई, F1 जनरेशन क्या आई मेरे पास, F1 जनरेशन माना मेरे पास आई, मेरे पास जो रिसीव हुआ वो क्या हुआ, मेरे पास आया जैसे कि कैपिटल आर और स्मॉल वाई, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये F1 जनरेशन आई। अब जब इसका ही मैं क्या करवाऊंगा, सेल्फ क्रॉस करवा रहा हूँ, तो पहले तो उसका मेरे को गैमिट बनाने पड़ेंगे, तो एक गैमिट आर बनेगा और दूसरा कैसे बनेगा, वाई है ना। तो 50% चांस इसके हैं, 50% चांस इसके हैं। तो वो यही बात कर रहा है कि जब इट मीन्स, वो कह रहा है कि इट मीन्स फ्रॉम F1 हाइब्रिड टू टाइप ऑफ द गैमिट्स आर फॉर्म्ड इन ऑलमोस्ट इक्वल नंबर। तो कहता है F1 जो हमारे पास हाइब्रिड है, ये जो बात कर रहा है जी, ये जो F1 कैसी हाइब्रिड है, प्योर कंडीशन नहीं है, है ना, तो उससे हमें जो मिलेंगे
गैमिट वो टू टाइप के बनेंगे, एक ये बना एक ये बना, आर फॉर्मड इन ऑलमोस्ट इक्वल, और वो इक्वल नंबर में बनेंगे, 50% ये बन रहा है 58% बन रहा है। ईच गैमिट हैज़ 50% प्रोबेबिलिटी रिसीविंग आइदर टॉल और ड्राफ्ट फैक्टर। तो अब फिफ्टी, अब माना कि ये मेरे पास फर्स्ट मेरा गैमिट है, ये सेकेंड है, तो 50% गारंटी है कि उसको या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा पहले वाले को। बनेंगे दो ही टाइप के, दूसरे वाले को जब पहले वाले को अगर ये मिल गया तो दूसरे वाले को ये मिलेगा। नेक्स्ट बात आती है चौथा, उसने अपनी अवधारणा क्या दी, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, स्वतंत्र अभिव्यून की। ड्यूरिंग द गैमिट फॉर्मेशन सेग्रीगेटिंग प्लांट ऑफ यूनिट फैक्टर्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। और तो कहता है जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो जिसने दिया स्वतंत्र अभिव्यून का, कि जो गैमिट की फॉर्मेशन हुई है ना ये स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, यहाँ पर जो पृथक्करण होगा यूनिट फैक्टर्स का, सेग्रीगेटिंग पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर्स, ये जो यूनिट फैक्टर्स का जो पृथक्करण हुआ है, जो हमारे पास जोड़ी थी फैक्टर्स की, जब वो पृथक होगी अलग अलग होगी, उसका जो छटना है जो असॉर्ट हो रहा है वो स्वतंत्र है, उस पर कोई किसी का कंट्रोल नहीं, वो इंडिपेंडेंटली एक एक मिल जाएगा दोनों को, राइट। मीन्स सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ द यूनिट फैक्टर्स इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय साइमल्टेनियसली सेग्रीगेशन। तो वो कहते हैं कि ये जो पृथक्करण हुआ है किसी एक जोड़ी के गुण का, फैक्टर्स का, वो नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय साइमल्टेनियस सेग्रीगेशन ऑफ अदर पेयर ऑफ द यूनिट, मतलब उसके ऊपर किसी दूसरे का कोई कंट्रोल नहीं है, सीन इन द डाइहाइब्रिड और पॉलीहाइब्रिड क्रॉस। मतलब कहने का क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि जैसे ये आर है और ये आर है, इसका गैमिट बना, इसका गैमिट बना, इसका बना ये आर, ये गैमिट बना, इसका ये बना, इसका ये बना और इसका ये बना है, ठीक है। अब हमारे पास एफ वन जनरेशन आ गई, जब ये क्रॉस करेंगे एक ये आ गई एक ये आ गई, इस तरीके से, समझ आ गई बात। अब हम जब क्रॉस करवाएंगे आगे, जब नेक्स्ट क्रॉस करवाया इसका, तो इसका गैमिट बना एक ये और एक ये, तो ये जो आप देख रहे हो ये जो यहाँ पर जो इनका सेग्रीगेशन हो रहा है, सेग्रीगेशन ये जो अलग अलग जा रहे हैं, ये वाला गैमिट एक ये बना, एक गैमिट ये बना इसका, इसका एक गैमिट आज ये बना, तो इनमें ये जो इनका जाना है वो एक दूसरे से कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, ये इसको कोई टच नहीं कर रहा, मतलब कोई इन्फ्लुएंस नहीं दे रहा, ये इसको नहीं दे रहा, अपना अपना हो रहा काम, ठीक। तो ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो आगे देख लेते हैं, कहता है कि मोनोहाइब्रिड, मतलब फॉर वन पेयर ऑफ द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, मोनोहाइब्रिड क्रॉस जहाँ पर सिर्फ आप एक ही गुण ले रहे हो, एक जोड़ी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का क्रॉस करवाओगे, डाईहाइब्रिड में टू पेयर्स का होता है, ट्राई हाइब्रिड में तीन पेयर का होता है, पॉली हाइब्रिड में मोर देन टू पेयर्स, यहाँ एक जब पॉली का मतलब कहता है बहुत सारे, क्लियर होगी बात। प्रोसेस ऑफ क्रॉस फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन कॉल्ड हैज ए हाइब्रिडाइजेशन। वो क्रिया, वो प्रोसेस जिसमें आप क्रॉस करवा रहे हो, फर्टिलाइजेशन करवा रहे हो, क्रॉस करवाओ या तो फर्टिलाइजेशन का या पॉलिनेशन का, वो क्या कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन। अब आपको पता है वहाँ प्योरनेस तो रहेगी नहीं, इसलिए वो हाइब्रिड हो गया ना, वहाँ पे दोनों मिक्स कैरेक्टर मिक्स हो जाएंगे। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन यानी आप क्या करवा रहे हो, निषेचन, और जो पॉलिनेशन करवा रहे हो आप, वो कैसा कह, क्या प्रोसेस कहलाएगा, वो हाइब्रिडाइजेशन। तो कंक्लूजन क्या निकला हमारे पास, फॉर एनी कैरेक्टर एवन डिराइव्ड फ्रॉम क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट वराइटीज शोज ओनली वन ट्रेड्स नेवर अदर। तो उसने क्या बोला कि किसी भी कैरेक्टर के लिए जो F1 क्या को अगर हम क्रॉस करवाएं बिटवीन टू डिफरेंट वैराइटीज, तो हमें क्या होगा, ओनली वन ट्रेड नेवर अदर्स। दूसरी बात, कैरेक्टर हैड डिसअपियर्ड और वॉज हिडन इन F1, ये भी हमें पता लग गया कि हमेशा जो करेक्टर्स होते हैं वो F1 PD में छुप जाता है, एक छुप जाता है और एक ही दिखता है। रीअपियर्ड इन दी F2, वो जो हमें कब दिखाई देखने को मिलेगा दोबारा, जब हम F2 जनरेशन हमारी आएगी, बट इन अ फ्रीक्वेंसी 1/4 ऑफ द टोटल नंबर, और लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी बचेगी वो कितनी होगी, 25% होगी वहाँ पे, 1/4 ऑफ द टोटल नंबर। बात समझ आ गई, क्या कह रहा है कि जो कैरेक्टर है जो F1 PD में डिसअपेयर हो गया था, छुप गया था, वो दोबारा F2 PD में आता है, देखने को मिलता है, लेकिन उस समय उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 25% होती है। और कहता है किसी भी कैरेक्टर के लिए जो F1 में देखने को मिलता है डिराइव फ्रॉम क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट वराइटीज शोज ओनली वन ट्रेड, तो F1 PD में हमें सिर्फ एक ही लक्षण, एक ही ट्रेड देखने को मिलेगा, दूसरा नहीं देखने को मिलता, ये हमने देख चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं, अब हम को डोमिनेंस का एग्जांपल देख लें। तो को डोमिनेंस ऑफ द ब्लड एलील इन मैन, अब हम
मनुष्य के अंदर, मैन के अंदर को डोमिनेंस का उदाहरण देखें, ह्यूमन ब्लड ग्रुप अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोसोमल पेयर। तो जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप होता है वो उसके ऊपर कंट्रोल कौन से जीन्स करते हैं, ऑटोसोमल जीन्स करते हैं, जो आपको पता है पेयर तो ज़रूरी है, और उसके एलील्स कौन से, एम और एन, जो कैसे है डोमिनेंट है। ठीक है, एम और एन जीनोटाइप हैव एम एन फिनोटाइप, पोजेसिस बोथ एम और एन एंटीजेंस। तो जो एम और एन जीनोटाइप है वो ये हमारे क्या बना रहे हैं, फिनोटाइप, और उनके अंदर आपको एंटीजेंस क्या मिलेंगे, एम और एन, राइट। रिप्रेजेंट दीज एलील्स, अब उसको हम एलील को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे शो करते हैं, एल के ऊपर एम कर दिया और एल के ऊपर एन। तो फिनोटाइप हमारे पास क्या है, एम ब्लड ग्रुप, उसका जीनोटाइप क्या है, ये हमारे पास एम ब्लड ग्रुप, जैसे हमारा ए ग्रुप ब्लड ग्रुप होता है, बी ग्रुप, वैसे यही है। तो हमारे पास ये एम ब्लड ग्रुप है, तो इसका जो जीनोटाइप क्या बनेगा, एल कैपिटल एम, एल कैपिटल एम, और एन ब्लड ग्रुप का क्या बनेगा जीनोटाइप, एल एन, एल एन, और एम एन ब्लड ग्रुप का क्या बनेगा, एल की पावर एम, एल की पावर एन, और एम ब्लड ग्रुप का अब हम क्रॉस करवाएंगे एम ब्लड ग्रुप का एन ब्लड ग्रुप के साथ। तो एंटीजन एम और एन आर द ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है, जो कहाँ प्रोवाइड द बायोकेमिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल आइडेंटिटी टू द इंडिविजुअल। तो इसी से उसकी उनके अंदर आइडेंटिटी आती है कि उनका ये एम या एन ब्लड ग्रुप है। तो अब हमने क्या किया, हमारे पास जो एम ब्लड ग्रुप था उसके ये जीनोटाइप है, एन का ये जीनोटाइप्स हैं, एम एन ब्लड ग्रुप के ये हैं। अब हमने एम ब्लड ग्रुप वाले का एन ब्लड ग्रुप वाले के साथ, ये हमारे पेरेंट्स हैं, जनरेशन है, अब इसकी हमने क्रॉस करवाया, तो इनका जीनोटाइप ये निकल, ये हमारे पास है ये एल की पावर एम, एल की पावर एम, एल की पावर एन, एल की पावर एन। तो ये एक इस टाइप का क्या बनाएगा, गैमेट बनाएगा, ये इस टाइप का बनाएगा। उसके बाद ये हमारी फर्स्ट जनरेशन आई एम एम ब्लड ग्रुप वाली, और इनकी गैमेट ये हैं। तो ये हमने आगे एफ टू जनरेशन निकाली, तो एफ टू जनरेशन में हमारे पास जीनोटाइप ये निकल कर आए, एल एम एल एम, एल एम एल एन, एल एम एल एन। तो इस तरीके से टोटल हमारे पास क्या है, 1:2:1। तो यही आता है हमारा कोडोमिनेंस का जो रेशो था, जिसमें फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों सेम आते हैं। तो फिनोटाइप आर आइडेंटिकल टू द जीनोटाइप्स। ये क्लियरेंस होगी, यहाँ पे क्लियर होगी बात। तो चलिए, थैंक यू सो मच, आज की क्लास में हमारा जो कोडोमिनेंस वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।